गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो डिलाइट एकेडमी यूट्यूब का एक ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। तो अभी तक हमने यूट्यूब के ऊपर लॉकडाउन सीजन में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। हमने ऑलमोस्ट अभी तक एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट सब कुछ कवर करवा दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर करवा दिए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 41। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर लाइन। ये क्लास 6, 7, 8 और 9 एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार टर्म 1 के अंदर नंबर लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें काफ़ी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर मैं ए टू जेड सारी बातें नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। जब भी कोई टेस्ट आए, ऐसे आए, एफए आए, तो आपको बस इस वीडियो को देख लेना है। नंबर लाइन से जुड़े सारे कंसेप्ट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इंटीजर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एरो भी दिखाया हुआ है कि नंबरिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है वो हम जानेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बेसिक ही और रूल्स ही जाने हैं, रूल्स ही सीखने हैं, ताकि आने वाले वीडियो के अंदर हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम रूल्स ही डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई आपको इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो सिंपल उस नंबर को इन नंबर लाइन पे रख देना है। जैसे मैंने इंटीजर के नीचे फर्स्ट वाले पॉइंट में इंटीजर लिखकर मैंने नीचे एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और उसके अंदर जीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। हम यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट साइड लिख लेता हूँ। आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाओगे तो नंबर इंक्रीज होते हैं, नंबर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। और अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाओगे तो नंबर की जो वैल्यू है, नंबर की जो कीमत है, वो धीरे धीरे कम होती है। इन द टर्म्स अगर मैं कहना चाहूँ कि -4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो -4 है, -4 है वो 0 के लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए -4 0 से छोटा हो जाएगा, 0 -4 से बड़ा हो जाएगा। वैसे -1 0 से छोटा है, -2 0 से छोटा है, -3 भी 0 से छोटा है, -3 -4 से बड़ा है, राइट साइड में आ रहा है इसीलिए वो बड़ा हो जाएगा, -2 -3 से बड़ा है, 1 है वो 2 से छोटा है और 2 है वो 1 से बड़ा है। तो इस तरीके से राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट साइड में जाओगे तो वैल्यू कम होगी। तो सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेस द -2 ऑन नंबर लाइन, अगर मुझे -2 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं सिंपली -2 के ऊपर ऐसे डार्क डॉट कर दूंगा तो ये मेरा आंसर हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 3 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो 3 0 के राइट साइड में आता है और ये रहा 3। तो बस इंटीजर को तो दिखाना काफ़ी आसान है, जस्ट एक डॉट रख देना है तो आप आसान से उसको दिखा दोगे। मगर क्वेश्चंस और डिफिकल्टी फ्रैक्शंस को दिखाने में आती है। तो पहले अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैटेगरी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लें। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा। जैसे मैं लिखूं कि 3/4, तो ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? रूल नंबर 1,
कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो जीरो और वन और जीरो और माइनस वन के बीच में ही आएगा। कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो जीरो और वन और जीरो और माइनस वन के बीच में ही आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो जीरो और वन के बीच में आएगा और आपको नंबरिंग राइट साइड में करनी है। और अगर वो नंबर जैसे यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो ये माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस थ्री बाय फोर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के नेगेटिव वाले कैटेगरी में आएगा, तो ये नंबर माइनस वन और जीरो के बीच में आएगा और आपको नंबरिंग है वो जीरो से मतलब लेफ्ट साइड में काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में नंबर को करके दिखाऊंगा। हो सकेगा अगर टाइम रहेगा तो मैं इसी वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाऊंगा। फिर बात रही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, मैंने जो मेरी फ्रैक्शन की जो सीरीज है उसमें बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नॉट प्रॉपर फॉर्मेट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो आपको उसको मिक्स में चेंज कर लेना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहला स्टेप आपके पास होगा उसको मिक्स में चेंज करो। मिक्स में चेंज करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्या वो मिक्स फ्रैक्शन पॉजिटिव में है या वो मिक्स फ्रैक्शन नेगेटिव में है। यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कि y x by m पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको दिखाने के लिए ये y के राइट साइड में जाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला y है तो मैंने इस y को यहाँ पे लिख दिया है, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आप y के राइट साइड में जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई मिक्स नंबर है 2 whole 4 by 7, तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, तो ये नंबर आएगा यहाँ पे आपको 2 ले लेना है और 2 के राइट साइड में आप जाओगे तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 whole 4 by 7 2 और 3 के बीच में आएगा। फिर अगर हम बात करें, मेरे पास एक और नंबर मैं ले लेता हूँ -2 whole -3 by 7, ऐसा मैं एक नंबर ले रहा हूँ, तो ये मिक्स फ्रैक्शन तो है मगर ये माइनस में है, इसीलिए आपको माइनस में हमेशा लेफ्ट साइड में जाना होता है, जो y है आपका उससे लेफ्ट साइड में जाना होता है। यहाँ पे y लिया है तो y की जगह पे मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे y आ रहा है y x by m, जैसे 2 -2 whole -3 by 7, तो माइनस y है तो माइनस माइनस में होने की वजह से मैं इसको लेफ्ट साइड में जाऊंगा। तो आप देखिए -2 के लेफ्ट साइड में क्या आता है, -3 आता है, इसीलिए ये नंबर, ये पूरा नंबर -2 और -3 के बीच में आएगा। तो चलिए फटाफट ये सारे कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो ये नंबर पॉजिटिव में है, प्रॉपर है, पॉजिटिव है, जीरो और वन के बीच में आएगा। ये भी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, प्रॉपर है मगर नेगेटिव है, तो ये नंबर तो आ जाएगा जीरो और वन के बीच में, ये नेगेटिव है इसलिए -1 और 0 के बीच में आएगा। ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे 3/4 ये तो प्रॉपर है मगर माइनस माइनस आप कट कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है प्रॉपर है इसलिए ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। ये देखो 5/2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पहले मिक्स में चेंज करना होगा, तो मिक्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 2 whole 1/2, 2 2 4 + 1 5, तो पॉजिटिव में है तो आप इसको राइट साइड में जाओगे, 2 के राइट साइड में क्या आता है 3 आता है, तो ये नंबर 5/2 है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखो -3/2 है,